$500 की फोटो बेचोगे, लिख के ले लो और जाओ साइट पे गूगल करो और देखो। मैं नहीं बोलता डोंट बिलीव ऑन मी, डोंट बिलीव ऑन मी, नहीं तो आप ब्लेम करोगे गल। Hey guys, what's up? This is T and you are watching Online Money as usual. तो गाइस स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल Online Money में। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भगवान आपको बिल्कुल भी माफ करने वाला नहीं है दोस्त। प्लीज जो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस आपके मोबाइल पे मिल सके। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो अपना प्रीवियस वीडियो था, काफ़ी उसमें लोगों के अच्छे कमेंट्स आए मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, इवन कमेंट्स में भी। सो काफ़ी अच्छा लगा और आप लोगों के सपोर्ट से मैं एक और बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा दे सकता है। अब गाइस जो है ब्रेन गेम खेलना सीख जाओ तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर दोनों ही अलग चीज़ें हैं। बाय द वे इसकी जो बात है वो अपन किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ जो है वो गाइस हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कैसे अपना ब्रेन मतलब अपना दिमाग लगा के जो छोटे मोटे फोटोग्राफर्स हैं उनको हायर करके, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे होगा, हायर करके अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, सो आप क्या हो, आप हो एक ऑनलाइन अर्नर जिसको नॉलेज है कि ऑनलाइन में चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, जिसको नॉलेज है कि ऑनलाइन में फ़ोटो को बेचा जाता है। आई एम राइट और रॉन्ग आप बताओ कमेंट्स में। ठीक है, आपको नॉलेज है। अब मान लो एक केस स्टडी लेते हैं छोटी सी, एक राम है एक श्याम है। ओके, प्रॉब्लम यही होता है राम और श्याम। ठीक है, मान लो एक रेशम है और एक आसिफ है। ठीक है, एक नया नाम आया मेरे दिमाग में, एक रेशम है एक आसिफ है। रेशम जो है वो बंदा जो है वो बड़ा कूल सा रहता है, उसको शौक है चीज़ों का, घूमने का, फिरने का, कपड़ों का, एक्सेट्रा जो भी। ठीक है, और जो एक आसिफ है, एक जो बंदा है उसको शौक है कैमरे का, उसको शौक है फोटोग्राफी का। ठीक है, तो उसने कैमरा खरीदा, सो कॉल्ड कैमरा DSLR, सो कॉल्ड जनरेशन, आजकल सबको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है कैमरे से। तो उसने कैमरा खरीदा, ठीक है, आसिफ ने कैमरा खरीदा और रेशम जो है कूल बॉय है। ओके, जिसको यूजली मतलब शौक है इधर उधर घूमने का फिरने का। तो गाइस ये दोनों को आप याद रखो, और जो तीसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ याद रखो, एक ट्रेंड है मार्केट में DSLR का। ठीक है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट है, आप भी सोच के देखो, एक ट्रेंड है मार्केट में DSLR का। जिसके पास DSLR रहता है उसके पास पब्लिक रहती है। ठीक है, लेकिन जो DSLR वाला बंदा रहता है ना उसको ये नहीं पता रहता है कि वो फोटोज़ को खींच के, मतलब ये जो अपने घर के आसपास बाहर और आसमान में और जो मतलब इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर लड़के लोग की फ़ोटो ले रहा है और जो भी लड़के लड़कियों की फ़ोटो ले रहा है, इधर उधर घूम रहा है बाइसिकल से, मतलब कहीं की भी फ़ोटो ले रहा है, उसको ये नहीं पता है वो सब चीज़ें वो लाके यहाँ यहाँ सोशल मीडिया पे और अलग अलग वेबसाइट्स पे सेल कर सकता है। लेकिन आप जानते हो कि ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनमें आप उनकी फ़ोटोज़ को लिस्ट करा के सेल कर सकते हो। गाइज क्वालिटी इज मैटर एवरी ऑन एवरी वेबसाइट। ओके, क्वालिटी इज मैटर ओनली एंड नथिंग, क्वालिटी इज मैटर एंड नथिंग। अब जितनी भी फोटो वाली साइट्स हैं आप उन पे जाओ और देखो वहाँ क्या चीज़ बिक रही है, वहाँ बिक रहा है क्वालिटी, क्वालिटी। और क्वालिटी कैसे आती है, क्वालिटी आती है DSLR से। तो अब आप यहाँ से अर्निंग करोगे कैसे, करोगे ऐसे। ठीक, तो ये एक बंदा था कूल जिसका नाम था रेशम सिंह और वो घूमता था, और जो दूसरा बंदा था वो आसिफ जिसको शौक था फोटो खींचने का, लेकिन सो कॉल्ड आसिफ को पता नहीं है कि वो फोटो बेच सकता है, क्योंकि उसका पैशन ये है कि वो फोटो खींच सकता है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है। ये अपने दिमाग में सोचो, अपने घर के आसपास सोचो ना, ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, आपके भी दोस्त यार होंगे जिनके पास DSLR होगा, जिनके पास लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ें वो पैसे में कन्वर्ट कर सकता है, वो कई ज़्यादा पैसा कमा सकता है इससे, मतलब वो फोटो को बेच बेच के इधर उधर की फोटो खींच के सेल करके। लेकिन वो लोगों के पीछे पड़ा है कि मुझे लोगों की फ़ोटो खींचनी है, राइट, लोगों की फ़ोटो खींचनी है। तो यहाँ सबसे बड़ा गेम क्या बनाओगे आप, गेम ये बनाओगे कि ये बंदा इस बंदे की फ़ोटो खिंचवा लो। ठीक है, सबसे पहला केस बता रहा हूँ, इसमें दो तीन तरह की अर्निंग आप कर सकते हो, दो तीन तरह की है मेरे माइंड में जो जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस बंदे को जिसको कपड़े का शौक है, बहुत ही ज़्यादा कूल है, ये हर बार समझ ले कपड़ा खरीदता है। ठीक है, थोड़े दिन में
थोड़े दिन में नए कपड़े लेके आता है, किसी इवेंट पे नए कपड़े लेके आता है, या कभी भी मतलब कपड़े का शौक है तो लेगा ही, ठीक है। तो कपड़े खरीद के लेके आता है, और ये जो बंदा है इसको शौक है फोटो खींचने का, और जो आप हो आपको शौक है दिमाग लगाने का, क्योंकि यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आप क्या हो, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन हो, तो आपको पता है कि आपको पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है चीज़ों को। तो अगर ये बंदा आता है कपड़े लेके और ये कपड़े पहन के फोटो खिंचवाता है इस बंदे से जिसका नाम आसिफ था, तो ये फोटो खिंचवाता है इस बंदे से और ये बंदा अपने कपड़े लेके आता है, तो आपको क्या करना है, इसकी फोटो ले से इसकी फोटो लेनी है, किसकी, जिसकी फोटो इसने खींची है, किसने खींची है, आसिफ ने फोटो खींची है रेशम सिंह की, जो एक कूल बॉय है जिसको कपड़े उपड़े पसंद है, घूमना फिरना पसंद है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको पसंद है, जिसकी पसंद है उसको पसंद है। तो अब आपको इससे इस फोटो ले लेनी है आसिफ से, और उसको उन सब साइट्स पे जाके डाल देनी है, मॉडल नहीं बनाना, कपड़े से गेम खेलना है, किससे, कपड़े से, यहाँ मैं कपड़े का गेम बता रहा हूँ अभी आपको, कपड़े से गेम खेलना है। सोशल मीडिया साइट्स पे आप जैसे डाल दोगे तो आपको जाना है अमेजॉन पे, अमेजॉन पे मैंने क्या बताया, एफिलिएट मार्केटिंग बताया आपको मैंने, एफिलिएट मार्केटिंग, अभी दो दिन पहले या एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली है एफिलिएट मार्केटिंग की, तो आपको वहाँ जाके अपनी वेबसाइट बना लेनी है। अब अमेजॉन पे ऐसा क्या है जो नहीं मिलता, मेरे को ये बता दो, क्या ऐसा नहीं मिलता, चैन की जेब से पेन की निब तक, एक डायलॉग है जो मैं आपको मार रहा हूँ आपके सामने, जो बोल रहा हूँ आपके सामने, सो वहाँ हर कुछ मिलता है। तो वहाँ आपको सिमिलर कपड़ा ढूंढना है, सिमिलर कपड़ा जब आप वहाँ से ढूंढ लोगे तो आपको उस चीज़ को उस फोटो के साथ, मतलब उस लिंक को उस फोटो के साथ अटैच कर देना है सोशल मीडिया पर, ठीक है। कूल सा बना के, क्वालिटी, मैंने पहले ही बोला है कि क्वालिटी इज़ मैटर हियर, क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पर, जो मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ, आपको जाके लिस्ट कर देना है, बस जैसे ही लोग उस पर क्लिक करेंगे कपड़ा अच्छा लगेगा जाएंगे, कपड़े को हाईलाइट करना है, ओके, वो आपका सब क्रिएटिविटी होगा, ठीक है, वो सब हर कुछ नहीं बताया जा सकता एक वीडियो में, तो वो सब आपका क्रिएटिविटी होगा कि आप कैसे उसको अपने आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसके कपड़े को कैसे आप हाईलाइट दिखाते हो, फिर आप उसको एज अ मॉडल यूज़ कर रहे हो ना, उसको पता चल रहा है ना, उसको पता चल रहा है, लेकिन मनी कौन गेन कर रहा है, आप यू आर गेनिंग मनी। सो गाइस, ऐसे करके, ऐसे दिमाग लगा के पैसे कमाए जाते हैं, देखो कितना आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे दिमाग लगा के पैसे कमाए जाते हैं, ना कि बस यूं हवा में तीर। गाइस यहाँ लॉजिक दे रहा हूँ यानी आप बोलो लॉजिक की बात है, यानी कि जो मैंने कहा लॉजिक की बात है, कैसे यूज़ होता है, कैसे, अगर आप ही मानो ना एक केस स्टडी लेते हैं, कैसे होता है किसी मॉडल को कपड़े पहनाते हैं फिर उसको दिखाते हैं ना अलग अलग पाम प्लेट पे, अलग अलग सोशल मीडिया एड्स पे, व्हाटएवर, कहीं पर भी दिखाते हैं ना, कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, वो मॉडल को हायर करने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे, यहाँ आपको पैसे भी नहीं लग रहे हैं, आप कपड़े को हाईलाइट कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स वहाँ क्लिक कर रहे हैं और उस कपड़े को जाके ले रहे हैं, जिसमें से आप कुछ कमीशन बना रहे हो, जिसमें से आपकी अर्निंग हो रही है। सो ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, ऐसे अर्निंग करनी है, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर माइंड, ठीक है, माइंड गेम, बिजनेस गेम, ये सब होता है बिजनेस गेम। ये मैंने दिया फर्स्ट, सेकेंड चीज़ें, आप ऐसे जितने भी फोटोग्राफर हैं आपके जानने आने में या आपके दोस्त के दोस्त के, अब ये बंदे के पास DSLR है तो ये भी किसी से इंस्पायर हुआ होगा तभी तो DSLR लिया ना, किसी को देखा होगा अपने घर के आसपास, हाँ भाई इसके पास है तो हम भी लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, इनकेश ज़्यादातर रहता है, अब मेरा दोस्त लेगा आईफोन तो मुझे लगे हाँ आईफोन में तो दम है बॉस, मुझे तो लेना होगा, तो इसके भी कनेक्ट में लोग होंगे ऐसे 10-15, बहुत ज़्यादा हो गया मैं तो बोल रहा हूँ 5-10, ठीक है 5-7-10 इतने, मतलब 5-6 मान के चलो, 5 फोटोग्राफर आपको ढूंढ लो अपने घर के आसपास। पहला मेथड क्या, एफिलिएट कर सकते हो आप, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी, अगर आप एक फोटोग्राफर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप तो बहुत ही ज़्यादा इजी कर सकते हो, अगर आप एक फोटोग्राफर नहीं, फोटोग्राफर यानी यार कोई भी सर्टिफाइड फोटोग्राफर की बात नहीं कर रहा हूं, फोटोग्राफर जिसके पास DSLR है, जिसके पास क्वालिटी है, बस उसकी बात कर रहा हूं, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फोटोग्राफर तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप अपने माइंड को यूज़ करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही केस में आप अर्निंग करने वाले हो। तो सेकंड जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ ये है कि तो ऐसे 5 बंदे आपने हायर कर लिए, अब आप बोल दो भाई तुम लोग मुझे इतनी फोटो क्लिक करके दो, हज़ार हज़ार फोटो भी क्लिक करवा लोगे ना
कुछ नहीं जाता। एक शूट पे बंदे जाते हैं तो उसमें 300-400 फोटो क्लिक करके लाते हैं एक दिन में। आप उनको एक हफ्ते का समय दो, बोलो 500 फोटो मुझे दो। अगर 5 लोगों से लेते हो तो आप 2500 फोटो लेते हो, 2500 क्वालिटी फोटो लेते हो आप, 2500 क्वालिटी फोटो। अब जाते हैं रेयर केस में, अपने पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसमें हर साइट्स में आप अपलोड कर सकते हो। इवन आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करके राइट हैशटैग यूज करके किसी फोटोग्राफर को वो फोटो बेच सकते हो। और ये बिल्कुल लॉजिक है जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिक है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं, गो ऑन इंस्टाग्राम एंड सर्च, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं। तब मैं ये चीज़ें लेके आता हूँ, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें आके बताता हूँ। तो गाइज वो जो चीज़ है उनका आप फायदा उठा सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी, यू कैन डू इट। अगर आप अपने माइंड में सोच सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप नहीं लोगे एक्शन तो नहीं कर सकते हो। देयर इज अ वैल्यू, देयर इज अ क्वालिटी, देयर इज अ एक्शन, तो 101% यू आर गोइंग टू गेन मनी। आप मनी कमाने जा रहे हो अगर आप एक्शन लोगे तो, नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो एक्शन, वैल्यू और क्वालिटी तीन गेम है यहाँ और कुछ भी नहीं है। अब इनसे आप 2500 फोटो लेते हो तो आपका एक केस मैं बताता हूँ, एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दे देता हूँ। 2500 फोटो, 8-10 साइट्स, पॉपुलर साइट्स हैं यहाँ पर फोटोग्राफ फोटो लगाने की। और सबसे बड़ी जो साइट्स है वो आपके पास है, वो आपके मोबाइल में है, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया। तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको जाके पुट करनी है हर बार 1000-1000 फोटो। 2500 फोटो दो हफ्ते लो, एक हफ्ते लो, दो हफ्ते में अपलोड करो, ठीक है। 2500 फोटो है आपके पास, अगर आपको 50, 100, 200, 300, 500 का ही बना लो, ठीक है, 500 का ही बना लो। एक दिन में 500 फोटो नहीं, मतलब एक हफ्ते में 500 फोटो, फिर दूसरे हफ्ते में 500 फोटो, फिर तीसरे हफ्ते में 500 फोटो, ठीक है, 600 ले लो कि एक महीने में पूरा ये टारगेट खत्म हो जाए। तो 600 फोटो आप पूरा एक एक हफ्ते में अपलोड करो ना, अपलोड फाड़ के अपलोड करो। सोशल मीडिया रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है। कोई साइट रोक रही है क्या? नहीं रोक रही है, वो तो क्वालिटी ढूंढ रही है, क्वालिटी ढूंढ रही है। और एक साइट में रेयर से रेयर कंडीशन में एक फोटो, अगर आपकी एकदम बेकार फोटो है ना, एकदम बेकार 1% भी अच्छी नहीं है, तो अगर वो सिलेक्ट हो जाती है, लोग उसको आके खरीद लेते हैं, तो वो $5-10 में जाती है। अगर वो फोटो, गाइस ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जाके सर्च करो ऑन गूगल, आपको पता चल जाएगा कितनी महंगी बिकती है। मैं तो एकदम 1% बता रहा हूँ आपको कि इतनी में आपकी फोटो बिकेगी। वहाँ आपको 100% पता चलेगा कि एक फोटो $100, $30, $150, $200, इवन $500 तक जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फोटो है कैसी। इसीलिए मैं क्वालिटी, वैल्यू और एक्शन की बात करता हूँ हमेशा। क्वालिटी, वैल्यू और एक्शन, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये एक मूल मंत्र है सक्सेस होने का, हर फील्ड में सक्सेस होने का मूल मंत्र, ठीक है। तो अब आप अपलोड कर दो, इतनी साइट्स में अपलोड करो, कोई तो साइट है जो अप्रूव करेगी आपको ना, यहाँ आपका कुछ जा रहा है, सिर्फ आप एक माइंड गेम खेल रहे हो। और उनसे भी डील कर लो ना कि अगर मेरी भाई, मैं किसी क्लाइंट को अपनी फोटो दिया हूँ, मत बताओ, सच बताने की ज़रूरत क्या है, सच बताने की ज़रूरत क्या है, कौन सा आपको स्वामी विवेकानंद बनना है या APJ अब्दुल कलाम बनना है। बिजनेसमैन हो, बिजनेस की वजह से गेम खेलो, दिमाग लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, मक्कारी करो, चोरी करो, ये नहीं सिखा रहा हूँ मैं। मतलब बिजनेसमैन हो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, दिमाग से खेलना सीखो। दिमाग से खेलोगे तो गेम बढ़ेगा, गेम बनेगा और आप बड़े बनोगे, ठीक है। तो दिमाग से खेलोगे तो सब बड़े बनोगे, सब। भाई उनके पास भी DSLR है, मैंने देखा कई लोग EMI पे DSLR लेते हैं, EMI पे, क्योंकि उनको शौक चढ़ा है DSLR का। पैसे नहीं है जेब में लेकिन DSLR जरूर उनके पास, पैसे नहीं है जेब में लेकिन DSLR जरूर है उनके पास। EMI भरने को पैसे नहीं है लेकिन DSLR जरूर है उनके पास। अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप, भाई बहन से पैसे लेके भरते हैं वो, तो उनको भी तो पैसे की जरूरत है। ऐसे लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो आप, ऐसे लोगों को भी पकड़ सकते हो। तो बोलो ना भाई, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा अगर मेरा एक फोटो सेलेक्ट हो जाता है। मत बताओ ना आपकी $100 में फोटो जा रही है, बताओ $50 में जा रही है, ठीक है। 500 फोटो लियो आप, क्या पता उसमें आपकी 100 फोटो बिक गए, क्या पता आपकी उसमें 200 फोटो बिक गए, क्या पता आपकी उसमें एक फोटो बिके। एक फोटो $100 तो बिक रही है, एक फोटो $50 की बिक रही है, अरे घटा यार, $10 की बिक रही है $10 की, कुछ गया $2 देने का, $8 लेने का, किसी और बिजनेस में डालने का पैसा आया। सो यूज योर माइंड, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना गेन करोगे। अगर एक्सप्लोर करने की नहीं सोचोगे, वहीं ब्लॉग में, वहीं यूट्यूब में, और वहीं मतलब जो सिंपल चीज़ें हैं उनमें अटके रहोगे मेरे भाई, तो कहाँ जाओगे आप? घंटा नहीं कहीं जा रहे हो आप, टाइम वेस्ट। एक्सप्लोर करो, एंटरप्रेन्योर बनो, समझे बात को। 2500 फोटो आपको महीने में, अगर 500 फोटो भी बिक गए ना मेरी दोस्त,
मेरे भाई अच्छा खासा पैसा गेन करोगे आप, अच्छा खासा $2,000-3,000 भी गेन कर सकते हो। और अगर आपको वो साइट सिलेक्ट कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है कि ये बंदा जो है ये फोटो देता है क्वालिटी, $500 की फोटो बेचोगे, लिख के ले लो और जाओ साइट पे गूगल करो और देखो। मैं नहीं बोलता डोंट बिलीव ऑन मी, नहीं तो आप ब्लेम करोगे गल को। डोंट बिलीव ऑन मी, गो ऑन गूगल और सर्च करो, सर्च करो कि आपको खुद से समझ में आए, पता चले कि कितनी की फोटोज बिक रही हैं और कितने लोग, कितने ऐसे फोटोग्राफर जिनको ये चीज पता है, नन, एक को भी नहीं पता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में 5% 10% लोग जानते होंगे, 90% आपके लिए वेट कर रहे हैं। 90% यू कैन मेक मनी मैन, यू कैन मेक मनी, जस्ट एक्सप्लोर योर माइंड और इसके डीप में जाओ, गूगल करो, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, इससे आप एक पूरा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ जहां से आप पैसे गेन करके दूसरे बिजनेस में डाल के वहां से आप डिप लो, जे कर्व लो, वो मैं चीज बता रहा हूँ आपको। नॉट हियर फॉर जोकिंग, आई एम नॉट हियर फॉर टाइम पास, आई एम हियर फॉर गिविंग वैल्यू। ओके, गिविंग वैल्यू। सो गाइज प्लीज टेक एक्शन, थोड़ा सा जाओ, माइंड लगाओ, थोड़ा सा डीप घुसो, एक्शन लो, गूगल पे सर्च करो। लोगों ने हजारों वीडियो बना के रखी है कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो फोटो खरीदती हैं, एप्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों का हेल्प लो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो। सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय।